सोची सोची से लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। घर का मामला घर में ही अगर निपटा जाए तो अच्छी बात है। हाँ, घर की बहू है तो घर के बहू का मतलब होता है क्या कि घर का इज्जत बचाना। कितने भी मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हैं, तो क्या मतलब कि उनकी जो भी पद हैं, तो एक बहू होने के वो सोच रही हैं कि हम इस घर की बहू हैं तो हमको एक भी कुछ कर देंगे तो मीडिया वाले चाहे कोई भी मेरा मदद कर सकते हैं। तो उनको घर में ऐसे बात ये करना चाहिए, मेरे ऐश्वर्या के मानेंगे, क्योंकि आज के रूप में दहेज देना या लेना दोनों ही पाप है। ठीक, थैंक यू। करना ही नहीं चाहिए, कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। दोनों को मिलकर आपस में ही उस बात को सुलझा लेना चाहिए। कोर्ट में जाने से होता है कि बात को मतलब घर में जो सुलझा लेने में जो अच्छा होता है, वो समाज में जाकर सबके पास जाकर जो मतलब बात फैलता है, सब जान रहा है, तो अच्छा नहीं लगना चाहिए। अपना ही बात जो होता है आपस शुरू में ही ऐसा बात था तो शुरू में उनको केस कर देना चाहिए था। जाकर अगर उनको घर से जैसे ससुराल में अगर प्रॉब्लम था तो शुरू में ही केस कर देती। अभी अगर ऐसा किया जा रहा है तो ज़रूर कोई बकार होगा, चाहे होता केस करने के लिए या परिवार को तोड़ने के लिए भी हो सकता है ऐसा काम किया जा रहा होगा। उसमें दो गो के बीच में जो तीसरा जो कहते हैं फ़ायदा उठाना, शायद हो सकता है कोई तीसरे होंगे वो जो फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे। हॉस्पिटल में तो ऐसा होता ही रहता है, कोई भी भड़का सकता है, इधर का पार्टी उधर, उधर का पार्टी इधर, इसलिए उसको भड़का रहा है। दूसरी पार्टी का लोग हो सकता है भड़का सकता है अपनी पार्टी में लेने के लिए। ये मतलब पूरा प्रकरण गलत तरीके से कैसे देखती हैं शादी को? ये तो एकदम सोचा समझा साजिश ही है क्योंकि 1.5 साल के बाद अचानक से कोई केस करता है तो वो तो साजिश ही हुआ ना, और क्या बोल सकते हैं।